सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट पाय स्कूल में यूथ कन्वेंशन के नाम पर धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में काफी बवाल भी हुआ था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिशनरियों के सभी बैंक की जांच करने की मांग की थी। फंडिंग से लेकर स्कूल से लेकर शिक्षा हेल्थ सभी जगह धर्म परिवर्तन के लिए सॉफ्ट तौर पर एक प्रोसेस के तहत धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए थे। इसी मामले में आज मिशनरियों से जुड़े समाज के लोग खंडवा SP विवेक सिंह से मिले और उन्होंने सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि वह खंडवा में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन पर हमले कभी भी हो सकते हैं, इस तरह की मांग उन्होंने की। सेंट पाय स्कूल और डायसिस सहित मिशनरी समाज के लोग आज काफ़ी संख्या में पहुंचे। एक डेलीगेशन पहुंचा, डेलीगेशन ने खंडवा SP विवेक सिंह से मुलाकात की और अपनी बात रखी। आइए किस तरीके की बात उन्होंने रखी और खंडवा SP ने उन्हें आश्वासन दिया कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुलिस उनके लिए मुस्तैद है। आइए उन्होंने क्या कहा, मिशनरियों से जुड़े लोगों ने सुनवाते हैं। फादर, ये जो यहाँ पे आए हैं आज, आप लोग कहाँ पे आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? जी, विगत दिनों में आप लोगों से सब परिचित होंगे, विगत दिनों में जो घटना हमारे खंडवा के कैथलिक ईसाई समाज के साथ हुआ है उसमें हमें बहुत आहत पहुँचा है, हम काफ़ी दुखी हैं। और अक्टूबर 3 से 5 तारीख तक हमारा युवा सम्मेलन रखा था और पूर्व से हमने सूचना भी दी थी। हर साल के समय प्रतिवर्ष हमने ऐसा कार्यक्रम किया करते थे और इस साल भी ऐसा योजना के अनुसार हमने कार्य करने वाले थे 3 से 5 तारीख तक। और हमारे बच्चे हमारे खंडवा डायसिस के हम लोग 4 जिले में हम लोग मौजूद हैं, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और खरगोन, तो 4 जिलों से बच्चे आ रहे थे। और जैसे वो स्पॉट पहुँचने में तो उनको कई जगह पर रोका गया था, उनको आनंदगढ़ में रोक दिया हमारे गाड़ी और बच्चों को, और उसके बाद उनको रोक दिया, गाड़ी से उतारा और फिर बहुत सारे सवाल किया और उनको उनके साथ अभद्र शब्दों से बात किया गया और वर्बल अब्यूज़। और फिर हम लोग कुछ पुरोहितों के साथ जो फादर लोग हैं उनके साथ भी धमकी और फिर रास्ता रोक लिया गया और कहा जा रहा था कि हम लोग धर्मांतरण के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, तो ऐसा इनका गलत विचार है, षड्यंत्र है, ऐसा बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा किया। और इसमें हमारा अब तक का जो कई सैकड़ों सालों से ईसाई धर्म का जो उपस्थिति है इस शहर में, मध्य प्रदेश में, और विशेषकर हमारे खंडवा शहर में, और हमारा जो शहर में हमारा एक नाम था, एक छवि था, और वो सब धूमिल कर दिया गया है। कौन लोग थे, क्या था? हम नहीं जानते हैं, जो लोग कुछ भीड़ एकदम कुछ 50-100 लोग एकत्रित हो गए थे, हम किसी से जानते नहीं, लेकिन वो मीडिया में और पेपर में सब पढ़ने को मिला है, कुछ संगठन के लोग हैं, लेकिन हम आए हैं हम SP साहब से मिलने के लिए, और हमारा उद्देश्य उनको ये खबर दे कि हम लोग दुखी है और हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम तो हमारा कैथलिक ईसाई समाज जन को सुरक्षा प्रदान करे और इसकी इस प्रकार का जो कार्य जो घटना हुए हैं उसका पुनरावृत्ति ना हो, इसी संबंध में बताने के लिए और उनको ये जो शिकायत दर्ज करने के लिए हम लोग आए हैं। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अम्बेडकर चौराहा खंडवा।